नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है और आज के डिजिट डेली में हम ज़्यादातर बातें स्मार्टफोन्स के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं Honor View 20 से, जो दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और ये Honor द्वारा बनाया गया पहला स्मार्टफोन है जिसमें इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। Honor View 20 चलता है Huawei के फ्लैगशिप Kirin 980 चिपसेट पर और इस फोन के 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा में सोनी IMX586 सेंसर है। आगे की तरफ Honor View 20 में आपको मिलता है एक ऑल व्यू डिस्प्ले और Honor का कहना है कि उन्होंने स्क्रीन रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए इन स्क्रीन फ्रंट कैमरा दिया है फोन में। Honor क्लेम करता है कि ये डिस्प्ले 100% तक एक्सटेंड हो सकता है। एक और टेक्नोलॉजी जो Honor ने इंट्रोड्यूस करी है इस फोन के साथ वो है लिंक टर्बो, जो यूज़र के यूसेज मॉडल्स को ऑटोमेटिकली एनालाइज करके वाईफाई से 4G और 4G से वाईफाई में नेटवर्क कंडीशंस को शिफ्ट करेगा ताकि आपको डाउनलोड स्पीड्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी A8s। Honor View 20 की तरह गैलेक्सी A8s में आपको एक 24 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग पिनहोल कैमरा मिलता है और इस फोन में 6.39 इंच की फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दी गई है। गैलेक्सी A8s में एक 10 मेगापिक्सल प्लस 24 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। ये फोन चलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर पर। इसका मतलब ये नोकिया 8.1 और ओप्पो R17 प्रो जैसे फ़ोन से कम्पीट करता है। ये फ़ोन अभी ऑफिशियली चाइना में अनाउंस हुआ है 6GB की रैम और 128GB की एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ और इस फ़ोन का एक 8GB रैम वाला वेरिएंट भी है। ये भारत में कब लॉन्च होगा इसकी अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये फ़ोन चाइना में 20 दिसंबर को लॉन्च होगा। इसका मतलब ये भारत में भी काफ़ी जल्दी लॉन्च हो सकता है। Xiaomi ने कहा है कि वो Mi Mix का 5G वेरिएंट लॉन्च करेगी जो स्नैपड्रैगन 855 पर चलेगा और ये फ़ोन यूरोप में 2019 में अवेलेबल हो जाएगा। ये नया हैंडसेट चाइना मोबाइल ग्लोबल पार्टनर कॉन्फ्रेंस 2018 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी इनेबल्ड होगी क्वालकॉम के X50 5G मॉडेम की मदद से, जो आपको 2 GBPS तक की डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड करेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद Xiaomi ने OnePlus, Samsung, Lenovo और बाकी कई सारे स्मार्टफोन मेकर्स को ज्वाइन कर लिया है जो 5G इनेबल्ड फ़ोन्स लॉन्च करने वाले हैं अगले साल। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने WhatsApp से एक नए फीचर की दरकार की है जिसके तहत यूज़र्स को किसी भी ग्रुप में ऐड होने से पहले उनकी परमिशन मांगी जाए। मिनिस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन करी है कि वो बिना उनकी परमिशन के काफ़ी सारे ग्रुप्स में अपने आप ऐड हो जाते थे। भारतीय सरकार ने WhatsApp में अपनी ये रिक्वेस्ट डाल दी है, लेकिन अभी तक WhatsApp ने इस रिक्वेस्ट को अक्नॉलेज या फिर एक्सेप्ट नहीं किया है। OnePlus 60 का McLaren एडिशन जो 12 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा वो लीक हो चुका है। OnePlus ने रिसेंटली ब्रिटिश ऑटोमेकर McLaren ऑटोमोटिव और McLaren रेसिंग के साथ अपनी एक पार्टनरशिप अनाउंस करी थी जिसके तहत वो OnePlus 60 का McLaren एडिशन लॉन्च करने वाले थे। अगर लीक्स की माने तो फ़ोन बिल्कुल OnePlus 60 जैसा ही दिखाई देता है, सिर्फ इस बार फ्रंट और बैक साइड पर आपको कुछ ऑरेंज हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगी। OnePlus ने अपने ट्विटर पेज पर एक टीज़र भी रिलीज़ किया था जिसमें दिखाया गया है कि OnePlus 60 के McLaren एडिशन में 50W वॉप चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। डिजिट हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।